उज्जैन में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुलिस ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने के साथ ही बाइक चालकों को 250 से ज्यादा हेलमेट बांटे गए हैं। शनिवार को उज्जैन के टावर चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निजी कंपनी द्वारा वाहन चालकों को तकरीबन 250 हेलमेट उज्जैन के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के द्वारा दिए गए। यातायात थाना प्रभारी दिलीप सिंह परिहार ने कहा है कि हेलमेट नहीं पहनने की वजह से रोड एक्सीडेंट में जान जाने का जोखिम बना रहता है। ऐसे में उन्होंने बाइक चालकों से हेलमेट लगाने की अपील की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित ट्रैफिक जवान और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। कंपनी द्वारा ये हेलमेट बंटवाए गए हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए थे और उनके हाथों से जो है मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि साल भर में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती भारत में, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी में मध्य प्रदेश का भी जो स्थान है, लगभग तीसरा स्थान आता है दुर्घटनाओं में, सड़क दुर्घटनाओं में। और इसमें जो आंकड़े निकल करके आए, लगभग 3000 दो पहिया वाहन चालकों की मृत्यु हेलमेट नहीं लगाने के कारण हुई है। इसीलिए ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप जो है वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं। आपके परिवार की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए आप अपनी आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी जो है आपके परिवार को आवश्यकता है। ये वीवो कंपनी द्वारा लगभग आज 250 हेलमेट बांटे गए हैं और इनके द्वारा भोपाल, इंदौर यहाँ पर भी जो है हेलमेट लोगों को दिए गए हैं। अब ये प्रतीकात्मक रूप से है कि ताकि लोग जो हेलमेट पहनने के लिए जागरूक हो सके, ये उनका प्रयास है। सर, देखा जा रहा है कि ट्रैफिक की तरफ से हेलमेट जो आज बांटे गए हैं और फिर भी उस ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन नहीं करवा पाती है, क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, ये तो हम प्रयास लगातार करते हैं, हर दिन हमारा प्रयास है कि लोग नियमों का पालन करें। इसके पीछे कई कारण है कि आज जो है वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उस अनुपात में पुलिस बल में वृद्धि नहीं हो पाई है, तो ये भी एक कारण है। और दूसरा ये है कि लोगों को अपने प्रति सुरक्षा की चिंता खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप हर बात के लिए सोचोगे कि पुलिस आकर के हमको करवा देगी, पुलिस आकर हेलमेट पहनाएगी या पुलिस आकर के हमारी जो सुरक्षा कर देगी, तो इतनी पुलिस आज की डेट में नहीं है। हमको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यदि किसी की मृत्यु होती है तो केवल उसका परिवार भुगतता है, उसका पड़ोसी भी जा करके उसके परिवार के साथ खड़ा नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है क्योंकि मेरा परिवार मेरे ऊपर आश्रित है, तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए। पुलिस का इंतजार आप मत करिए। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।